सलाम अलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं अभी अभी आया हूँ शॉप पर और अभी मैंने ताले रखे हैं। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स से, अपने प्यारे दोस्तों से दुआ सलाम कर ली जाए, सुबह का टाइम है तो दुआ है मेरी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। एंड शुरुआत करते हैं व्लॉग की, व्यू दिखाते हैं सुबह का भी कैसा हो रहा है, आप चेक करें। चलो बाहर देखते हैं, चलते हैं, मॉर्निंग कैसी हो रही है। आज की धूप बहुत तेज़ है आज भी, एंड दुकानें काफ़ी सारी बंद पड़ी हुई हैं माशाल्लाह। मामा की मेरी फेस की खुली है, बाकी शॉप्स बाकी सारी बंद पड़ी हैं। एंड अभी खुलेंगी शॉप, आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ होगा सब चीज़ों का। सुबह का लुक तो कुछ इसी तरह से होता है थोड़ा थोड़ा। तो चलते हैं दोस्तों अंदर, एंड व्लॉग का आगाज़ अभी मैं करने लगा हूँ बिल्कुल अभी। लेकर आ गया है जूली को, और जूली को अभी बांधेगा ये इसको। तो यार मैं अब शुरू करने लगा हूँ एक्सरसाइज करना, एंड मेरा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का। जरा मैं आज दिन चढ़ाऊँ तो शुरू करूँ मैं एक्सरसाइज करूँगा। रशीद भाई जो है बच्चों से खेल शुरू कर देते हैं दोस्तों एक्सरसाइज करना। इससे भी बनेगा आपका साइज। आओ आओ बनेगा आपका ये मसल्स और आपके चेस्ट वाला लड़का वाला। Thank you.
से बनेगा आपका बैक साइड एंड आपके साइज। दोस्तों ये थी आज की इसको साइज, उम्मीद करता हूँ आपको आई होगी पसंद। और जो भी मैंने लगाया साइड इससे बनी है आपकी थाइज है। तो दोस्तों फ्रेंड आप देख लीजिए, रोज़ तो मेरी हालत हो जाती है, ये देखें चेस्ट भी देखें थाइज भी बन गई माशाल्लाह से। आप इस्तेमाल कीजिए टिप्स और देखिए कैसा होता है। गुड हो गया। तो यार मैं करने लगा हूँ रोज की तरह सफाई शुरू करना। आज की मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, आज के बहुत से कस्टमर आए हैं अल्लाह पाक से, आज का काम मेरा बहुत अच्छा हो, ब्यूटीफुल सा हो जाए एंड जितने भी लोग अपने अपने घरों से निकले हैं सबको अपने हिफ्ज़-अमान में महफूज रखना, उनके बच्चों को और मेरे प्यारे बेटे को भी जैद को भी अपने हिफ्ज़-अमान में महफूज रखना और मुझको भी अपने हिफ्ज़-अमान में महफूज रखना एंड आज का काम अच्छा सा हो जाए ब्यूटीफुल सा हो जाए आमीन। यही तो मेरी दुआ। चलो थोड़ी सी दुआ सलाम भी कर लेती हूँ उनसे। वैसे मामा क्या कर रहे हैं? गर्मी बहुत हो रही है। यार मैं जा रहा नाश्ता लेके आ गया ला रहा हूँ यार, ये गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। ये सांप वाला गेम बचपन में बहुत खेला, अभी भी ऐसा लगता है जैसे बचपन आ गया। चलो यार दादी भी बोल रही होंगी, कॉल आई थी वैसे, मैं गेम खेलने में लगा हूँ, चलता हूँ फिर। नाश्ता निकल चुका है, चाय आलू गोभी सालन पराठा, चलते हैं फिर शॉप पे। दोपहर का आगाज कर रहा हूँ ये शरबत के साथ। वालेकुम वसीम भाई, कैसे हो? ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, बम्बाट मज़े में, फिट फाट, काम करो भाई, गोश्त गोश्त लगाए हुए माशाल्लाह। चलो फिर निकाल दो, मैं भी आ रहा हूँ। कायदाबाद में भी बड़ा रश है भाई, ज़बरदस्त किस्म का। ब्लॉग मैं जब बनाता हूँ ना, मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भाई हमें भी लेकर आओ ब्लॉग। हाँ
यार अभी जो है मेरा दोस्त मिल गया है मेरे को, ये देखो ये खड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना ये शहजाद मिला है मुझे। और शहजाद तुम कैसे हो? ठीक हो? ठीक हाँ। अभी हम लोग भी जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए, मैंने कहा शहजाद को एकदम छापा मारा शहजाद के ऊपर। चले फिर जा रहे दुकान जा रहे तो आओ सब्जी ले के आ जाओ। सही है चलो ले ली यहाँ से सब्ज़ी माशाल्लाह से भाई की दुकान से। इतनी प्यारी लग रही है, साफ सुथरे टमाटर। बस अभी फाइनली हमने ले लिए कुछ सामान टमाटर वगैरह भरी पड़ी है। सामान मैंने अभी यहाँ से ले लिया। अपना आया हूँ कुछ सामान लेने के लिए, मैंने अपना सामान ले लिया यहाँ से माशाल्लाह से। पैसा लो पैसा, मेरी शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट। बस अब जा रहे हैं, सारा सामान निशान भाई ने पकड़ लिया, निकलते हैं फिर यहाँ से। इमरान भाई की दुकान पे अभी मैं वहाँ से फारिग होकर यहाँ आ गया सामान लेने के लिए। आइसक्रीम खाई जा रही है, कहाँ तुम छुपा रहे क्यों हो यार? हाथ के पीछे क्या है आइसक्रीम यार? बच्चों की तरह छुपा रहे हो, तुम दिखा दो चलो। हरी वाली आइसक्रीम खा रहे लोग, छोटे बच्चे नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, की तैयारी शुरू हो गई है माशाल्लाह। अभी जब पकेगा ना इस आदमी में जब आ जाऊँगा माशाल्लाह। क्या पका रहे लग रहे हैं, क्या खाने बन रहे हैं और लोग भी खा रहे हैं। और इसाक भाई आप भी चले ठीक है, खुश हैं? ठीक। मैं अभी जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। पहले यहाँ से मेरे पैसे ले लें। टेम्पर होता है यार, यहाँ पे टेम्पर तो है नहीं। अब मैं आगे से लेता हूँ जाके, जहाँ से मैं पहले ले रहा था वहीं पर ही होंगे टेम्पर। चलते हैं वहाँ से। तो यार आ गया है मेरी चीज़ और बस ले लिए है यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान। ये हमारे किसान भाई हैं, निशान खान को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ और इनको सपोर्ट करो। भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। और तुम जो है माँ सफदर को भूल जाओगे हमारे भाई को सपोर्ट करो। थैंक्स। तो यार टाइम हो चुका है जोहर की नमाज़ का और मैंने तैयारी पूरी कर ली है वहाँ जाने की। नमाज़ टचिंग भी कर ली है, हिसाब किताब भी देख लिया है मैंने और मैं पढ़ रहा था दुरूद शरीफ। तो बस अब टाइम हो गया है, अब मैं जाने लगा हूँ जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर। अभी खाना लेने के लिए, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। क्या बना है लंच में? ताहिरी बनी है मटर की एंड रायता है। करते हैं फिर इसको डिश आउट। खाना अभी ये निकल चुका है, अभी मैं खाना खाने लगा हूँ जिशान भाई और मैं लंच करने लगे हूँ। चीकू टा है शान भाई, उठाओ चीकू खाओ। मैं भी खा रहा हूँ चीकू। यार अभी शाम हो चुकी है और चाय का टाइम है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा चाय पीने का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। शाम को हो चुकी, मैं अभी अभी आया हूँ असर की नमाज़ पढ़ के और आते के साथ ही मैंने काम में काफ़ी सारे काम किए हैं, आप चेक करें देख सकते हैं। जिशान भाई भी नहीं है, देखें गली में मैंने अभी छिड़के भी मारे हैं पानी के, काफ़ी देर से छिड़के वगैरह मार रहा था। और गली का व्यू लुक चेक करें कैसा हो चुका है, ठंडा तो हो रहा है। मैंने छिड़के विड़के जो मारे हैं ना अच्छे खासे, ठंडा तो हो रहा है अभी, लेकिन आप चेक करें व्यू
बस अभी थोड़ी देर, एक आध घंटे के बाद हो जाएगी मगरिब। और दूसरा सुकून मिल जाएगा फिर थोड़ा सा। अभी अजीब सा मौसम भी हो रहा है, सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। कुछ कबार मौसम अभी हो जाएगा मगरिब के टाइम पे, फिर जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। बस अभी चलते हैं अंदर और बैठते हैं चल के। अजीब अजीब सा मौसम, अजीब अजीब सा सब कुछ। ब्लॉग बना रहा हूँ, शाम का टाइम है ना। चैनल का नाम क्या है आपका? सिशान खान ब्लॉग। मेरे को बताओ यार, अभी ये पूछ रहा हूँ, मैं फिर बताता हूँ। खोल के दिया अपना चैनल और ये मेरा चैनल देख रहा है। एंड अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं चल के, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। टाइम असर की नमाज का टाइम हो गया, बस सुबह पढ़ लिया आपने? बस हो गया मेरा, आधा पढ़ा है और आधा मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके नमाज पढ़ने के बाद पढ़ूंगा। तो यार मेरा टाइम हो गया असर की नमाज का, मैं जा रहा हूँ अब नमाज पढ़ने, चलते हैं फिर। अजीब सा मौसम है। बस अभी थोड़ी देर में इंतज़ार कर रहा हूँ मैं मगरिब का। जब कोई नहीं होता तब बहुत बोरियत होती है मुझे। फिर भी मैं अपना दिल बहला लेता हूँ, कभी दुरी शरी पढ़ लेता हूँ, कभी क्या कर लेता हूँ। मुझे आज अपने पापा की बहुत याद आ रही है। काश वो ज़िंदा होते, इस दुनिया में होते मेरे पास। आंखें बंद करता हूँ तो वो लम्हा मुझे सब याद आता है, मेरा स्कूल का ज़माना, मेरे पापा। काश पापा जिंदा होते, जब मेरा ब्रेकफास्ट बंद होता था क्लास में और सारे बच्चे अपने अपने घरों को जाते थे नाश्ता करने, मैं क्लास में होता था, वो परेशान हो जाते थे कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया अभी तक नाश्ता करने के लिए। वो मेरा ब्रेकफास्ट मेरे को मुझे स्कूल में ला कर देते थे। आंखें बंद करता हूँ खोलता हूँ बंद करता हूँ तो वही लम्हा याद आता है, मेरे पापा का ज़माना। काश वो ज़िंदा होते, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर बैठे मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। ये अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे रहा है। मुझे बहुत याद आती है उनकी। अगर वो ज़िंदा होते हैं तो मैं उनको अपना दुख सुख सुनाता, बताता। आई मिस यू पापा, आई वेरी मिस यू पापा। मेरे जेब में भी उन्हीं का ही फोन है, मेरे पापा का और मेरा। उसको जब सीने से लगाता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मुझे अपने पापा का एहसास होता है, एहसास दिलाता है कि वो मेरा फोन है, मेरे बाप का फोन है, मेरा फोन है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बेटा। काफ़ी देर से खड़ा हुआ हूँ नमाज का इंतज़ार में,
मगरिब की अब अजानें होने लगी है, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। आज का दिन भी पास हो चुका है, मगरिब हो गई है, चलते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको आई होगी पसंद, और पसंद आई है मेरी वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो और नए दिन के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे अभी, गुड नाइट मेरी तरफ से एंड अल्लाह हाफिज़।